और आपके साथ मैं हूं अनुजा। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपनी ही पार्टी को पर निशाना साधा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर अखबारों में विज्ञापन जारी न करने पर चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर जमकर आलोचना की है। जाखड़ ने एक ट्वीट में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर पिछले साल अमरिंदर सिंह सरकार की ओर से जारी किए गए विज्ञापन को पोस्ट किया है और लिखा है कि चन्नी सरकार इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना भूल गई है। सुनील जाखड़ ने रविवार को ट्वीट किया, मैं समझ सकता हूं कि बीजेपी इतिहास से आयरन लेडी ऑफ इंडिया को मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या अभी भी पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं है? पंजाब के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि अन्य ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली कांग्रेस की नई कार्यकारिणी समिति में एक स्थानीय आमंत्रित सदस्य के तौर पर जगदीश टाइटलर की नियुक्ति की और इशारा किया है कि हैरानी भी जताई है। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी को याद करने के लिए सरकार का विज्ञापन नहीं जारी करने का क्या इससे कोई संबंध है, या फिर यह दो दिन पहले हुई नियुक्ति के आलोचक में दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पी रहे हैं। बता दें कि उन्होंने कहा है कि टाइटलर का नाम 1984 के सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में आया था। जाखड़ ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि मैं जानता हूं कि कैप्टन साहब पिछले साल के पंजाब सरकार के इस विज्ञापन का मेरी ओर से इस्तेमाल किया जाना भी अन्याय था और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल जैसे विपक्षी दलों के टाइटलर की नियुक्ति पर चन्नी नीति सरकार पर निशाना साधा है। वहीं बता दें कि सुनील जाखड़ ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।